हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी। चल अप्पा, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारी खातिर मैं उनके साथ यहीं कहीं घूम लूंगा, लेकिन बड़ौदा नहीं जाऊंगा। एक बार स्वामी जी पालकी में बैठ गए तो हम उन्हें उतरने का मौका ही नहीं देंगे, सीधे कड़प गांव जाएंगे, जहां मैं खास रेलगाड़ी का इंतजाम करूंगा। स्वामी जी को कड़प गांव से गाड़ी में बिठाया जाएगा और वो गाड़ी उन्हें सीधे बड़ौदा लेकर जाएगी। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्यामा, तुम भी शांति से काम लो और वणी जाओ। अरे ये क्या, कभी ना कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। साईनाथ, आप क्यों बार बार वणी के बारे में बोलते हैं? क्योंकि देवा चाहते हैं मैं इनसे दूर चला जाऊं। श्यामा, जब तुम वणी जाओगे तो तुम मेरे और करीब हो जाओगे। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा, मैं शिरडी में ही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अरे समझाओ इन्हें गुरुजी। अरे वणी वणी करते रहते हैं, जीना जीना हराम कर दिया है मेरा। अरे क्या कहते रहते हैं, वणी जाओ वणी जाओ, क्यों भेज रहे मुझे वणी। बाबा, आपके वणी की बात छेड़ते ही गुरुजी ने अनशन पर बैठने का निर्णय ले लिया है। सगुण, क्षमा अनशन करे या पेट भरकर खाए, उसे तो बड़ी जाना ही होगा, जाना ही होगा उसे बड़ी। सबका मालिक एक। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। साईनाथ ने आज फिर मुझे वणी जाने के लिए कहा, अपने से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आमरण अनशन करूंगा, न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी पत्नी हूँ, कि मेरे बारे में सोचा है आपने? बोलिए बोलिए ना। मैं अब ना एक दाना खाना खाऊंगा न बूंद पानी पीऊंगा। रेनु, ले लो खाओ। अरे तुम भी खाओ। साईं बाबा, 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 साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा। अरे अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो बहन, क्या हुआ? गुरुजी सकुशल तो है भाभी। अरे श्यामा तंदुरुस्त है सगुण, अभी अभी तो मुझसे लड़कर गया है। साईं बाबा, गुरुजी अनशन पर गए हैं, आप ना वो कुछ खाएंगे ना पिएंगे। नाटक कर रहा है श्यामा, वणी नहीं जाना है ना, वणी तो उसे जाना ही पड़ेगा। आप उन्हें समझाइए ना बाबा। कुछ नहीं होगा श्यामा को, तुम तो खामखां परेशान हो रही हो। एक बार, सिर्फ एक बार आप गुरुजी को समझाइए ना, वरना वो आमरण अनशन करेंगे। आपने खाना पीना छोड़ दिया गुरुजी? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि देवा ने अब मुझे वणी जाने को कहा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर भी तुम्हें वणी तो जाना ही होगा श्यामा। अब यहाँ भी झगड़ा करने आए हैं? मैं लाई हूँ बाबा को। सुन लिया, अब खाना खा लो
वरना वणी जाने के लिए इस शरीर में जान ही नहीं रहेगी। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वड़ी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। मैंने प्रतिज्ञा की है देवा, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। तुम प्राण त्याग दोगे तो मेरी इस बहन का क्या होगा? इसलिए प्राण त्यागने की बात छोड़ दो और मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर आप मुझे वणी नहीं भेजेंगे तो मैं अभी खाना खाऊंगा, अभी। वणी तो जाना ही होगा, वणी तो जाना ही है। मत रो बहन, मत रो। इस श्यामा के भाग्य में लिखा है कि इसे वणी जाना ही है। ये श्यामा अपने आप वणी चला जाएगा, करने दो इसे अनशन। हाँ देवा, कुछ दिन बाद आपका ये श्यामा आपसे झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, कहाँ जाएगा? वणी ही ना। माले। अरे लेकिन खाना खा के वणी जाना तुम। अरे दिमाग खत्म। तो गुरुजी भी। क्या हुआ मानसापति जी? हा? मुझे भी तो बताइए। साईनाथ की लीला का हम सब आनंद ले रहे हैं माँ जी। तो मुझे भी आनंद लेने दो। आप कौन सी लीला कर रहे हैं साईं बाबा? माँ जी, गुरुजी साईं बाबा को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, लेकिन साईं बाबा चाहते हैं कि वो वणी जाए। तो गुरुजी के नहीं जानते हैं, भगवान जो चाहता है वही होता है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ जी, गुरुजी तो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। कहते हैं वणी जाने से अच्छा है बाबा के चरणों में प्राण त्याग दे। हाँ, गुरुजी पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है। हर कोई भगवान पर अपना हक नहीं जमा सकता। लक्ष्मी की माँ, उसके लिए पूर्व जन्मों का तपोबल साथ में होना जरूरी है। इसीलिए तो बाबा को गुरुजी अधिक प्रिय हैं। अब देखना होगा माँ जी कि गुरुजी साईनाथ की बात मानकर वणी जाते हैं या 72 जन्मों के साथी के लिए साईनाथ वणी को शिरडी में लेके आते हैं। जैसी साईनाथ की इच्छा। अच्छा स्वामी महाराज, गुरुजी की तरह हर कोई चाहता है भगवान के समीप अपना जीवन बिताया जाए, भगवान सदा अपने पास रहें। गुरुजी अपनी भक्ति से साईं बाबा को अपने बंधन में जकड़े रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतिहास दोहराया जा रहा है बाबा। बड़ौदा के महाराज आपको सदैव अपने पास रखना चाहते थे। आपको अक्कलकोट से बुलाने के लिए उन्होंने अपना सरदार भी अक्कलकोट भेजा था। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जी महाराज, बरोड़ा के मल्हार राय गायकवाड़ जी ने आपके लिए यह नजराना भेजा है। गायकवाड़ जी ने आपको बरोड़ा बुलाया है और मुझे
आपको आदर के साथ सम्मान के साथ लाने के लिए कहा है। स्वामी जी, हम कब निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए? ज्ञानो बा तुकाराम, बोर्ची का क्या काम? 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 ज्ञानो बा तुकाराम। मान्या मा, देखो देखो सरस्वती, मैंने देखा देखा, भगवान इन्हें पैसे देते हैं और उन्हीं से ये भगवान को खरीदना चाहते हैं। ज्ञानो बा तुकाराम, बोर्की का क्या काम? ज्ञानो बा तुकाराम, बोर्की का क्या काम? स्वामी जी, आप बड़ौदा आ रहे हैं ना? चलाट, हम किसी के ताबेदार नहीं। ज्ञानो बा तुकाराम, बोर्की का क्या काम? ज्ञानो बा तुकाराम, बोर्की का क्या काम? ये थैली तुम्हारी है चोलप्पा, तुम्हारी। और अगर तुम मेरा काम करोगे तो पैसों से भरी हुई ऐसी कई थैलियां तुम्हें मिलेंगी। नहीं चोलप्पा, मैं बड़ौदा नहीं जाऊंगा। स्वामी जी, आप मेरे लिए जाइए, मेरे लिए जाइए। मुझे 10,000 रुपए महीने की जागीर मिल जाएगी स्वामी जी। चलप्पा, उनके पास जागीर है, भक्ति नहीं। स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी। चलप्पा, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारी खातिर मैं उनके साथ यहीं कहीं घूम लूंगा, लेकिन बड़ौदा नहीं जाऊंगा। एक बार स्वामी जी पालकी में बैठ गए तो हम उन्हें उतरने का मौका ही नहीं देंगे, सीधे कड़प गांव जाएंगे, जहां मैं खास रेलगाड़ी का इंतजाम करूंगा। स्वामी जी को कड़प गांव से गाड़ी में बिठाया जाएगा और वो गाड़ी उन्हें सीधे बड़ौदा लेकर जाएगी। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, रुक क्यों गए तुम सब लोग? कड़प गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार, पालकी अचानक हल्की लगने लगी है। हल्की? भारी नहीं लग रही है, जैसा स्वामी महाराज के बैठने पे लग रही थी वैसी नहीं लग रही है। ये कैसे हो सकता है? हमने कहीं पालकी रोकी ही नहीं, तो ये पालकी से उतर कैसे गए? आखिर कहां चले गए स्वामी जी? उतरे नहीं तो पालकी से ये गायब कैसे हो गए? स्वामी जी कहां? आप रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? तुम चुप रहो, जाओ यहां से, चलो जाओ। कहीं आप स्वामी समर्थ को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या क्या कहा तुमने है? अरे वो तो जेऊर गांव के पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ से 2-3 कोस पीछे। रास्ते में बैठे? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मेरी आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी,
मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कर दीजिए। याद रखो तात्या साहब, ताकत और तलवार से किसी को जीता नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा दमन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही जीत हासिल हो सकती है। पैसे से लोगों को वश में किया जा सकता है, लेकिन जो पैसों को कोई अहमियत नहीं देते उन्हें श्रद्धा और भक्ति से वश में किया जा सकता है। दिलों को जीतने के लिए अपने सीने में भी दिल होना जरूरी है, और उस परमात्मा को जीतने के लिए अपने आप को संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आपकी लीला अगाध है स्वामी महाराज, आपने ये बता दिया भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। साईं बाबा की तरह आपने श्रद्धा और विश्वास पर जोर दिया है। कहीं मुझे पालकी में बिठाकर संगम ले भगाकर ले जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं आप? मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी श्यामा महासापति मुझे शिरडी छोड़कर नहीं जाने देने वाले। आपको शिरडी छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है बाबा, शिरडी में रहकर शिरडी से बाहर दूर दूर तक रहने वाले भक्तों का आप ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और कल्याण भी। आप तो भक्तों के मन में बसे हैं बाबा। आपको पालकी की जरूरत ही नहीं है बाबा। सबका मालिक एक।